पेंसिल के ऊपर ये ब्लैक पार्ट क्यों होता है और ये कौन सी जॉब है जिसमें आप पहले दिन से ही 2 साल तक छुट्टी ले सकते हो और वो भी सैलरी के साथ, और फोन को चार्जिंग में लगाकर बात करे तो क्या होगा। वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहना वीडियो में अंत तक। नंबर 20, अगर आप इंडिया में ऐसे ही खुलेआम पतंग उड़ाते हो तो ये इलीगल है। जी हाँ, इंडिया के एक एक्ट के हिसाब से आप बिना परमिट के आसमान में पतंग नहीं उड़ा सकते, और सिर्फ मकर संक्रांति पर ही पतंग उड़ाने की सरकार परमिट देती है। लेकिन फिर भी कई लोग नॉर्मल डेज पर भी पतंग उड़ाते हैं, लेकिन ये बड़े स्केल पर नहीं होता और इसीलिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती। नंबर 19, ये देखो, अगर आपकी कमर में ये 2 होल नहीं है तो आप दिक्कत में हो। अगर आपकी कमर पर ये 2 होल है तो इसका मतलब है आप ओवर वेट भी नहीं हो और आप बहुत ज्यादा पतले भी नहीं हो, और अगर आपकी कमर में ये नहीं है तो आप थोड़े ओवर वेट हो। नंबर 18, बस एक मजाक करने की वजह से इस डॉक्टर को बैन कर दिया गया। जी हाँ, इस डॉक्टर ने एक डायबिटीज पेशेंट को शुगर डैडी कहकर बुला लिया। शुगर डैडी अमीर बुड्ढों को कहते हैं जिनकी गर्लफ्रेंड उनकी बेटी की उम्र की होती है, और उससे वो आदमी गुस्सा हो गया और डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। नंबर 17, मैकडोनाल्ड के बारे में आज कौन नहीं जानता, लगभग हर कोई जानता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट किस कंट्री में है? तो वो है अमेरिका, जहाँ पर लगभग 13,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस मौजूद है। वही अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में लगभग 300 ब्रांच मौजूद है। वैसे गाइस, क्या ये फैक्ट आप पहले से जानते थे, कमेंट कीजिए। नंबर 16, 8 दिसंबर को हम पर एलियन अटैक होने वाला है। दरअसल इनु एरलिक नाम की एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को 2671 से आया हुआ एक टाइम ट्रेवलर बताते हैं, और इसने इस बात के कुछ प्रूफ भी दिए हैं जो कि अब तक सच ही निकले हैं। और इसका कहना है कि इसी साल 8 दिसंबर को एलियन पहली बार धरती पर आएंगे, और वो भी एक एस्टेरॉयड के जरिए। वैसे गाइस, इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट कीजिए। नंबर 15, नीदरलैंड में आप किसी भी जॉब में 2 साल तक छुट्टी ले सकते हो। जी हाँ, वहाँ पर आप 2 साल तक सिक लीव ले सकते हो और फिर भी आपको 70% सैलरी दी जाएगी, और वो भी आपको 2 साल तक बिना काम किए। लेकिन उसे प्रूफ देना पड़ेगा कि वो बीमार है और 2 साल तक वो नहीं आ पाएगा। वैसे गाइस, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल का एक एम है कि हमें जल्दी ही 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा ये एम अचीव करने में हमें सपोर्ट कीजिए। नंबर 14, ये देखो, ये है दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर माउस, और इसे वुड यानी कि लकड़ी से बनाया गया था, जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार दिखता है। नंबर 13, अगर आप सोचते हो कि साबुन को शरीर पर लगाने से सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं तो आप गलत हो। असल में साबुन को बॉडी पर लगाने से भी बैक्टीरिया मरते नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी से गिर जाते हैं लेकिन वो जिंदा होते हैं। नंबर 12, नासा ने एलियन के ऊपर एक बहुत तगड़ी रिसर्च शुरू कर दी है। जी हाँ, नासा ने हाल ही में एलियन पुलिस बनाने का डिसीजन लिया है, जो कि आसमान में उड़ने वाली और कई जगह पर दिखने वाली UFO पर रिसर्च करेंगे। नंबर 11, जापान में ज्यादातर लोग कई महीनों तक कार को रेंट पर लेते हैं लेकिन वो उसे चलाते नहीं, तो ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें कि जापान में रहने की जगह की समस्या बहुत ही ज्यादा है, जिसके चलते वहाँ के लोग कार रेंट पर लेकर चलाने की जगह पर एक ही जगह पर रखते हैं, और उसमें खाना, सोना, काम करना, कपड़े चेंज करना, फोन को चार्ज करना, ऐसे सब काम करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग कार को सामान रखने के लिए भी यूज करते हैं। नंबर 10, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप अकेले रहना चाहते हो तो आपको कान में एयरफोन लगाकर घूमना है, फिर चाहे आप सॉन्ग सुनो या ना सुनो। अगर आपकी कान में एयरफोन या हेडफोन है तो लोग आपको कान में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा समझ के कि आप हेडफोन में बिजी हो। नंबर 9, ये देखो, दुनिया की सबसे आखिरी सेल्फी कुछ ऐसी दिखने वाली है। असल में AI की जरिए ये पता लगाया गया था कि अर्थ पर लोगों की खींची गई सबसे आखिरी सेल्फी कैसी होगी, और AI ने कुछ ऐसा बताया जो कि सच में डरावना है। नंबर 8, हाल ही में नासा ने इंडिया के मैप के दिवाली टाइम के फोटो रिलीज की है। ये देखो, शायद ही कोई और देश कभी इतना ज्यादा लाइट अप हुआ हो। नंबर 7, इन रिंग्स को देखो, इन रिंग्स में आपको ये जो चीज दिख रही है ये शादी किए हुए कपल की वॉइस रिकॉर्डिंग है। इन दोनों ने अपनी अपनी आवाज में आई डू बोला है, और उसके जो ऑडियो वेव्स थे उसे अपने रिंग पर प्रिंट करवा दिया है और फिर इस यूनिक रिंग को पहना, जिसका आइडिया लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। नंबर 6, इस फिल्म को पूरी तरीके से पानी के अंदर शूट किया गया था, और ये कोई फॉरेन फिल्म नहीं बल्कि इंडिया के साउथ इंडियन फिल्म है, जिसका नाम है अंडू मोटी ना काटी, और ये कोई ब्रांड न्यू फिल्म नहीं बल्कि काफी पुरानी फिल्म है। नंबर 5, ये देखो, आपको ये किसी थीम पार्क का इमेज लग रहा होगा लेकिन ये डेनमार्क का एक नॉर्मल सा विलेज है। यहाँ की विलेज की सेटलमेंट कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि हर 16 घर का एक ग्रुप बनाया गया है, और सर्कल में एक कॉलोनी की तरह बनी है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। नंबर 4, क्या आप जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज क्या है? तो हम आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है पानी, और सेकेंड नंबर पर आता है सैंड। नंबर 3, 21 साल की एज में बिल गेट को पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि वो अपने कार में ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी खुद के ही बेल करवा ली क्योंकि उनके पास पूरे पर्स भर के पैसे मौजूद थे। इतने पैसे देखकर पुलिस भी शॉक हो गई थी क्योंकि उस वक्त कोई भी 21 साल की बच्चे के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, और ये वहाँ के न्यूज में भी आए थे। नंबर 2, आपने पेंसिल के नीचे इस काले हिस्से को तो देखा ही होगा, तो इसका काम
क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि ये मेनली प्रोडक्ट के डिजाइन और ब्रांड को बताती है। इसी के साथ ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। जब इस लाइन तक पेंसिल पहुंच जाती है तब बच्चों को लगता है कि ये खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो इसके बाद भी इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये होता है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद पेंसिल खत्म हो जाती है, इसीलिए वो नए पेंसिल खरीदते हैं। नंबर वन, अगर फोन को चार्जिंग में रख कर बात करे तो क्या होगा? तो हम आपको बता दे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब हम किसी से फोन में बात करते हैं तब फोन से रेडिएशन निकलती है, लेकिन ये रेडिएशन उतनी भी ज्यादा नहीं होती। लेकिन जब बैटरी बहुत ज्यादा कम होती है तो फोन में ज्यादा रेडिएशन निकलने लगती है, और ऐसे में अगर आप उसे चार्जिंग में लगाकर फोन में बात करोगे तो जो रेडिएशन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी के साथ फोन हीट अप होगी, जिससे आपकी स्किन पर बुरा असर पड़ेगा, और कई कंपनीज के फोन हीट अप होकर ब्लास्ट तक हो सकती है। इसीलिए अगर आपको कम बैटरी में चार्जिंग में रखकर बात भी करनी है तो आपको नॉर्मल या फिर वायरलेस हेडफोन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइस, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।